चांद पर जाने वालों, मुबारक तुम्हें चांद की सरजमी पर पहुंचना, मगर ये वही चांद है जिसने मेराज में पहले चूमे हबीबे खुदा के कदम। ओ चांद पे जाने वालों, बड़ी धूम मची है ना, चांद पर गए, चांद पर गए, चांद पर गए। अपने बच्चों को ना चांद पे जाने के किस्से मत सुनाओ लोगों के, अगर सुनाना हो तो सुनाओ मुस्तफा ने उंगली के इशारे से चांद को कदमों में बुला लिया। अगर वो गए हैं उनके मुताबिक, उनका कहना है कि हम गए तो कितने दिन में गए, 41 डेज में गए, 41 डेज 41 दिन हो गए, बस हुजूर इशारा करे, बस इशारा करें। चांद ने कहा हुजूर बस इशारा करें, सीनों को चीरते हुए आपके कदमों में आ जाऊंगा। और लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुजूर के कदमों में आ गए। बच्चों को यह सुनाओ अपने घर में, हाँ सुभान अल्लाह, हमारे आका की शान। इमाम ने फरमाया इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को ठहर दिया। सिर्फ हुजूर ने चांद का ही काम नहीं, चांद का ही, चांद को इशारा नहीं किया बल्कि सूरज को भी इशारा किया है। डूब गया था, डूबे हुए सूरज को हुजूर ने वापस बुला लिया। सुभान अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को ठहर दिया। और आका की शान, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए या नबी अना, उन्जुर हालना या नबी अना।